हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग इस टाइम पे वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं। वेन डायग्राम की सारी बातें हमने पिछले दो वीडियो में जान चुके हैं। अब हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को आज ही समाप्त करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला सवाल। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा है परिवार पुत्र और पुत्री। परिवार पुत्र और पुत्री का हमें वेन डायग्राम बनाना। वेन डायग्राम का मतलब जैसे बताया तीन चीजों पर आधारित होता है कि आपका यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिकली प्रूफ होना चाहिए। जो भी हम वाक्य बना रहे हैं, जो भी हम वेन डायग्राम बना रहे हैं वो तर्क अनुसार होना चाहिए, तर्क विहीन वेन डायग्राम नहीं बना। जैसा अब हमें पहला वाला बनाना है कि परिवार पुत्री और पुत्र। देखिए, परिवार पुत्र और पुत्री इन सबका संबंध तो है आपस में, इनका आपस में संबंध है परिवार का पुत्र से और पुत्री का। लेकिन पुत्र और पुत्री का आपस में क्या संबंध है? क्या सभी पुत्र पुत्री होती हैं? क्या सभी पुत्री पुत्र होते हैं? ऐसा कोई भी संबंध रिलेशन इनके बीच में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि दो केस देखे जाते हैं, सभी का और कुछ का। ठीक है, सभी का और कुछ का। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो परिवार है, परिवार के अंदर आपके क्या क्या आते हैं, पुत्र भी आते हैं और पुत्री भी आते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, कमीज, बेड सीट और तौलिया। अब देखिए, इन तीनों में हमें रिलेशन बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? इन तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। कमीज मीन्स शर्ट, ओके, बेड सीट का कमीज से क्या संबंध हो सकता है और बेड सीट का तौलिए से क्या संबंध हो सकता है, या कमीज का तौलिए से क्या हो सकता है? ठीक, तो इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। आपस में जब संबंध नहीं होता है तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो कमीज शर्ट हो गया, बेड सीट हो गया और टॉवेल हो गया। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हो गए, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। चलिए, चावल गेहूं अनाज। अब देखिए, जो चावल है वो भी अनाज है, जो गेहूं है वो भी अनाज है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में जो पुत्र है वो भी परिवार का सदस्य है, जो पुत्री है वो भी परिवार का सदस्य है। लेकिन पुत्र और पुत्री में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, भाई बहन है, लेकिन उनका ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो हमें केस लगाना है सभी और कुछ का, वो नहीं लगेगा कि सभी पुत्र पुत्री होती हैं या सभी पुत्री पुत्र होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अनाज तो है, लेकिन अनाज ये दोनों है, लेकिन इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखेंगे कि सभी चावल गेहूं होते हैं या कुछ चावल गेहूं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी गेहूं चावल होते हैं, ऐसा भी नहीं है कुछ। तो ये दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन होंगे क्या, ये दोनों है अनाज लेकिन चावल और गेहूं का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी कि जब ये दोनों एक ही चीज है, अनाज है, तो ये हो गए अनाज और ये हो गया राइस और ये हो गया व्हीट। ठीक है, यानी कि गेहूं हो गया। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, लिखा है अविवाहित शिक्षक और पिता। अब देखिए, क्या सभी अविवाहित क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं? ऐसा कोई जरूरी है नहीं, लेकिन हाँ, कुछ विवाह अविवाहित जरूर शिक्षक होते हैं। सभी जितने भी अविवाहित हों वो जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही हों, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ अविवाहित व्यक्ति शिक्षक हो सकते हैं। ओके, अब देखिए, क्या कोई अविवाहित व्यक्ति पिता हो सकता है? क्या कोई अविवाहित व्यक्ति पिता हो सकता है? इम्पॉसिबल, जब उसकी शादी नहीं हुई तो पिता कैसे बन सकता है? ओके, तो अविवाहित और पिता का आपस में कोई भी संबंध नहीं, इस बात को यहाँ पे हमें याद रखना है। ओके, कि अविवाहित और पिता का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या सभी शिक्षक पिता होते हैं या सभी पिता शिक्षक होते हैं? ऐसा भी कुछ संबंध नहीं है जरूरी। हाँ, कुछ शिक्षक पिता होते हैं और कुछ पिता शिक्षक होते हैं, ये बात सही है। ओके, तो बात क्या सही निकल के आई कि ये जो शिक्षक है, मान लीजिए शिक्षक हुआ ये, यहाँ पे देखिए, ये शिक्षक हुआ टीचर। ओके, तो कुछ टीचर जो है पिता हो सकते हैं, कुछ
कुछ टीचर फादर हो सकते हैं और कुछ टीचर अनमैरिड हो सकते हैं, कुछ टीचर अनमैरिड हो सकते हैं यानी जिसकी शादी ना हुई हो। तो अब देखिए हमें याद क्या रखना था कि अविवाहित और पिता का हमें संबंध आपस में किसी प्रकार का नहीं दिखाना है। तो ये देखिए ये अनमैरिड व्यक्ति हो गए और ये पिता हो गए, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन शिक्षक का दोनों से संबंध है कि कुछ अविवाहित शिक्षक है, कुछ अविवाहित सॉरी कुछ शिक्षक पिता है। ठीक कंफर्म। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा टीचर और ये हो जाएंगे फादर एंड ये हो जाएंगे अनमैरिड पर्सन। ओके चलिए तो ये हमारे चार प्रश्न हो गए, अब देखेंगे अगले कुछ प्रश्न। ओके चलिए प्रश्न नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच है। क्या है क्वेश्चन नंबर पांच? डिग्री लेने वाले विद्यार्थी, डिग्री वाले विद्यार्थी, डिग्री वाले विद्यार्थी। ठीक है फिर क्या है? बीए स्टूडेंट है, बीए स्टूडेंट एंड बीएससी स्टूडेंट। ठीक अब देखिए इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, डायग्राम क्या बन रहा है? डिग्री वाले विद्यार्थी, ओके देखिए प्रश्न नंबर पांच आप ध्यान से देखिए क्या है। डिग्री वाले विद्यार्थी, बीए स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट। अब देखिए इनका संबंध आपस में देखिए क्या है कि जो बीए का स्टूडेंट होगा वो भी डिग्री वाले स्टूडेंट डिग्री वाला विद्यार्थी होगा, जो बीएससी स्टूडेंट होगा वो भी डिग्री वाला विद्यार्थी होगा। ये बात आपको कंफर्म हो गई? चलिए अब देखिए क्या बीए वाला विद्यार्थी बीएससी वाला स्टूडेंट हो सकता है? जो पर्सन जो स्टूडेंट बीए कर रहा हो वो क्या बीएससी भी कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है जो बीए का स्टूडेंट है वो बीएससी का स्टूडेंट कैसे हो सकता है? कर सकता है, उसका बैकग्राउंड उसका देखेंगे। तो अगर जो बीए वाला स्टूडेंट है वो बीएससी वाला स्टूडेंट कैसे हो सकता है, बात ये है। और जो बीएससी वाला स्टूडेंट है वो बीए वाला स्टूडेंट कैसे हो सकता है, यानी कि बीए वाला स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन है दोनों डिग्री वाले विद्यार्थी। अभी जो पहला परिवार वाला था और दूसरा अनाज वाला था वो ऐसे ही प्रश्न ये भी है, यानी कि ये जो डिग्री वाले विद्यार्थी हैं, डिग्री वाले विद्यार्थी दोनों हैं, डिग्री वाले विद्यार्थी दोनों हैं, एक है बीए वाला और एक है बीएससी वाला। अगर आप इनमें केस देखेंगे कि सभी विद्यार्थी डिग्री वाले विद्यार्थी हैं, सभी बीएससी वाले विद्यार्थी सभी बीएससी वाले विद्यार्थी वो भी डिग्री वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन बीए और बीएससी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो हमने यहाँ पे संबंध भी दिखा दिया कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं। 18 वर्ष के नीचे के बच्चे, Thank you.
नीचे के बच्चे, ओके, वोट दे चुके जो वोट दे चुके हैं, ओके, फिर है जो वोट दे चुके हैं, जो वोट की सूची में है, जो वोट की सूची में है, डायग्राम देखिए, इसमें 18 वर्ष के नीचे के बच्चे और जो वोट की सूची में है या जो वोट दे चुके हैं और जो वोट की सूची में है। अब एक बात समझिए आप, यहाँ पे जो 18 वर्ष के नीचे के बच्चे होंगे वो क्या वोट दे सकते हैं? पहली बात, वो तो देख नहीं सकते। यानी कि इन दोनों डायग्राम से, ये जो डायग्राम वेन डायग्राम बनेगा, इनसे तो ये अलग ही होगा। इसका इन दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जो भी रिलेशन होगा वो इनसे होगा, इन दोनों का आपस में होगा। उससे क्यों नहीं होगा? क्योंकि 18 वर्ष से कम जो बच्चा होगा, उम्र का व्यक्ति होगा, 18 वर्ष से कम का जो व्यक्ति होगा या जो युवा होगा, वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसको तो हम अलग ही रखेंगे, ओके। दूसरी बात, जो वोट की सूची में है तो वो तो सभी के सभी वोट दे चुके होंगे। कौन? जो वोट की सूची में है। यानी कि यहाँ पे केस क्या बनेगा? सभी का बनेगा कि सभी वोट की, जो सभी वो व्यक्ति जो वोट की सूची में है, सॉरी, सभी वो व्यक्ति जो वोट दे चुके हैं, जो वोट दे चुके हैं वो वोट की सूची में है, सभी वो व्यक्ति जो वोट दे चुके हैं। भाई देगा कौन? जो वोट की सूची में होगा। जो वोट की सूची में होगा ही नहीं तो वो दे कैसे सकता है? तो क्या केस बन रहा है? वो सभी लोग जो वोट दे चुके हैं वो वोट की सूची में है। समझ में आया क्या कह रहा हूं? अब देखिए, यहां पे ये हो गए वो सभी लोग जो वोट दे चुके हैं, ये वाले वोट दे चुके हैं, वोट दे चुके, और ये सभी कौन देगा? जो वोट की सूची में है, ये वाला वोट की सूची में, ठीक, ये हो गए वोट की सूची में। अब 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे वोट दे ही नहीं सकते, तो ये हो गए जो 18 माइनस 18 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से कम बच्चे वोट दे नहीं सकते। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड विल बी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन
प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने और है कि महिला माता और अभियंता, अभियंता मीन्स इंजीनियर मीन्स अभियंता, ओके इंजीनियर ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, क्या सभी की सभी महिलाएं इंजीनियर होती हैं? बिल्कुल नहीं, हाँ कुछ महिलाएं इंजीनियर होती हैं, ओके। क्या सभी की सभी माता इंजीनियर होती हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ माताएं इंजीनियर होती हैं, ओके। ये बात समझ में आ गई। चलिए क्या सभी की सभी महिला माता होती हैं? क्या बोला मैंने कि सभी की सभी महिलाएं माता होती हैं? दैट इज पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सभी की सभी महिलाएं माता नहीं होती हैं, लेकिन सभी की सभी माताएं महिला जरूर होती हैं। ये बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे। चलिए तो मैंने क्या बताया कि सभी माताएं, देखिए सभी माताएं क्या है? महिला है, ओके। अब देखिए कुछ माताएं इंजीनियर हैं और कुछ महिला इंजीनियर हैं, यानी कि ये जो बनेगा हमारा डायग्राम ये हो गए अभियंता, क्या हो गया? अभियंता हो गया, यानी कि ये जो भाग हो गए तो ये माताएं वाली इंजीनियर हो गई और ये महिला जो है वो इंजीनियर हो गई, लेकिन सभी की सभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायग्राम हमारा कौन सा बनेगा? ये हो गए माता, सभी की सभी माताएं क्या होती हैं? महिला होती हैं, और कुछ माताएं और कुछ महिलाएं इंजीनियर होती हैं, अभियंता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन, फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। चलिए चले और कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7-8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कलम पेंसिल और लेखन सामग्री। लेखन सामग्री, ओके। अब देखिए देखें कलम पेंसिल और लेखन सामग्री, ओके। कलम का पेंसिल से कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं, कलम अलग चीज है, पेंसिल अलग चीज है, लेकिन एक बात आप ये समझिए, लेखन सामग्री में दोनों चीज आती है। क्या? लेखन सामग्री में पेंसिल भी आती है, लेखन सामग्री में कलम भी आती है, यानी कि क्या हो जाएगा, लेखन सामग्री के अंदर में क्या आता है? अंदर ये हो गई, मान लो लेखन सामग्री, लेखन सामग्री के अंदर आता है आपका पेंसिल भी और पेन भी, यानी पेंसिल और पेन का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें आती हैं किसमें? लेखन सामग्री में, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ अगर देखते हैं, लिखा है लाभ अधिलाभ और लाभांश, लाभांश ओके। अब देखते हैं लाभ प्रॉफिट होता है, अधिलाभ आपका बोनस होता है, डिविडेंड होता है आपका क्या, डिविडेंड होता है आपका लाभांश ओके डिविडेंड ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नौ का जो हम डायग्राम बनाएंगे वो देखिए क्या बनेगा। पहला डायग्राम बनेगा आपका देख लीजिए। अब देखिए लाभ अधिलाभ लाभांश, अब देखिए इसमें हमें तीनों जो शब्द लिखे हुए हैं इनका थोड़ा सा भी अगर हमें मीन पता है, अर्थ पता है तो हम इसको आसानी से कर पाते हैं। जैसे लाभ, लाभ होता है आपका किसी वस्तु में आपने कोई वस्तु खरीदी या बनाई और उसको बेच दिया, उस वस्तु पे जो भी मिला आपको आपके क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है आपको वो आपका हो जाता है लाभ ठीक है। और आपका बोनस, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी के ऊपर जो दिया जाता है बोनस, मतलब जो भी थोड़ा बहुत मिलता है आपका वो हो जाता है बोनस ओके। और लाभांश, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाले लाभ का अंश, यानी कि इसके बारे में मुझे तो ज्यादा पता नहीं है इस शब्द के बारे में, लेकिन ये जो अधिलाभ है और ये लाभांश है इतना पता है कि ये दोनों अलग अलग चीज है ओके। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, अधि बोनस का और डिविडेंड का ओके। लेकिन है ये दोनों लाभ, होता क्या है अगर हमें अधिलाभ मिले बोनस मिले तो भी हमें लाभ मिलता है, और हमें लाभांश मिले तो भी हमें क्या मिलता है लाभ मिलता है। यानी कि जो दो शब्द है वो क्या है लाभ के ही पार्ट है ओके, लाभ से अलग यानी कि लाभ के अंदर ही आते हैं, हमें इसमें और कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं। यानी कि ये जो एक हो गया लाभ, ये लाभ हो गया, अलाभ के अंदर क्या मिला, लाभ के अंदर हमें मिला अधिलाभ और क्या मिला लाभांश ठीक है। लाभांश ओके, तो ये चीजें हैं, लेकिन अधिलाभ और लाभांश में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए ओके। चलिए यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट, ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा बोनस ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ओके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जहर जैव उत्पाद ओके, और आपका क्या हो जाता है खाद।
चलिए, जहर जैव उत्पाद और खाद, एक बात बताइए, जहर का जैव उत्पाद से संबंध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जहर का खाद से क्या संबंध हो सकता है? कुछ भी संबंध नहीं है। जहर का खाद से हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, यानी इस बात को हमें याद रखना है कि जहर का खाद से हमें कोई संबंध नहीं दिखाना है। दूसरी बात, क्या सभी खाद जैव उत्पाद में आते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ आते हैं। और क्या सभी जैव उत्पाद जहर होते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ जैव उत्पाद हमारे जहर होते हैं। ओके, तो यानी कि हमारा जो केस बनेगा, ये मान लीजिए जैव उत्पाद है, कुछ जैव उत्पाद खाद होते हैं, ये खाद हो गई, और कुछ जैव उत्पाद जहर हो गए। मैंने जैसे कि बताया पहले ही, खाद और जहर में कोई भी हमें संबंध नहीं बताना है, ना ही इसका कोई संबंध होता है तो बताएं कैसे, जो होता है वही बताते हैं हम। ओके, तो ये चीजें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, पॉइजन हो गया और फर्टिलाइजर हो गया खाद। ठीक है, चलिए, तो आपकी क्लास आज यहीं तक ही रहेगी, और आपके जो प्रश्न थे वो भी समाप्त हो गए। और आपने तीन क्लास में, ये क्लास जब देखेंगे और पिछली दो क्लास जब देखेंगे, आप ये पाएंगे कि अगर हमें वर्ड्स का कुछ भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, ये जनरली आपके दैनिक जीवन के ही वर्ड्स हैं, कोई अलग से आए हुए नहीं है, तो अगर आपको इनकी थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज और ये क्या कहना चाहते हैं ये सब चीजें पता है, तो आप वेन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। तीन चीजों पे हमें इसमें ध्यान रखना होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करते हैं, मीनिंग का शब्द का अर्थ पता हो, तो ये दो चीजें, तीन चीजें अगर हमें ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और उनका आपस में ही संबंध दिखाते हैं और पूछते हैं क्या ये संबंध सही है, अगर सही है तो ठीक है, और हमें पता ही होता है अधिकतर वर्ण उस वर्ण के बारे में क्या ये कह रहा है। ओके, तो आज से आपकी वेन डायग्राम की क्लास होती समाप्त, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, तो तब तक लिए जय हिंद। और जब वीडियो आपको कैसा लगे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, अगर चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर दें। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।